हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल रामजी एफएक्स में, और आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि एल्बम पोस्टर हम लोग स्टार्टिंग से कैसे बनाएं, कितना पेज लें, कैसे बॉर्डर लगाएं, कैसे क्या क्या बड़ा वाले भोजपुरी एल्बम पोस्टर का आज पूरा फुल ट्यूटोरियल आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए वीडियो को अच्छा लगे, ठीक है? तो चलिए फोटोशॉप मेरा देखिए यहाँ पे ओपन है, ठीक है? तो हम लोग बड़े पोस्टर का कोई एक साइज ले लेते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं चलता हूँ पोस्टर में और बड़े वाले का कोई साइज ले लेता हूँ, ठीक है? तो जैसे यहाँ देख सकते हैं 860x1280 है, ठीक है? तो हम लोग भी 860x1280 रखेंगे साइज, ठीक है? तो यहाँ से हो गया, साइज ले लेंगे 860x1280, ठीक है? ले लेंगे साइज, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है, ये जेपीजी लेना है, ठीक है? जेपीजी लेना है 860x1280। तो यहाँ पे देखें ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे हम लोग व्हाइट कलर लेंगे, ठीक है? ओके। फिर उसके बाद जो साइड का बॉर्डर होता है वो कैसे लेते हैं, ठीक है? तो चलिए बता देता हूँ, ठीक है? तो क्या करना है हम लोग को, यहाँ से देख रहे हैं रेक्टेंगल टूल यहाँ से लेंगे, और यहाँ से साइड में इस तरह लगाकर, ठीक है, यहाँ तक ऐसे कर देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद क्या कर देंगे, कट कर देंगे इसे, ठीक है? कंट्रोल एक्स। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग को इस पे राइट क्लिक करके, ठीक है, देखिए एरर आ रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लेना है लेयर पे, और यहाँ पे मतलब देखिए लग रहा है कट चुका है, ठीक है? रुक जाए, फिर से एक बार करता हूँ। यहाँ से ऐसे लेंगे रेक्टेंगल टूल और ऐसे खींचेंगे, ठीक है? खींचने के बाद हम लोग को इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ से कट कर देना है, ठीक है? उसके बाद नीचे वाला जो ये ऊपर वाला लेयर है उस ये बंद कर देना है, ठीक? फिर उसके बाद इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है? और ये जो साइज है आप लोग रख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है? उसके बाद ये हो जाने के बाद हम लोग कोई बैकग्राउंड लेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है? ये लेने के बाद इसका साइज थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है? बड़ा कर देने के बाद इसमें ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है? और यहाँ से एक और लेंगे, यहाँ से वाइट कलर करके, ठीक है? ग्रेडियंट कलर वाइट, ये हाँ हो गया, ठीक है? उसके बाद यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक है? जो साइड में नीचे पट्टी वाइट रहती है, ठीक है, पोस्टर में देखे होंगे। तो यहाँ से ऐसे पट्टी ले लीजिएगा, ठीक है? और इसको इसी फ्रेम में ऐड कर दीजिएगा, और यहाँ से एक पट्टी खींच दीजिएगा, जो नाम वाम लिखना रहेगा आप लोग को, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, और यहाँ से कलर पे सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी कलर, ठीक है? और इस पट्टी को इस लेयर के अंदर कर दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग कोई लोगो वो आप ले लीजिएगा, ठीक है? मैं लोगो ले लेता हूँ, यहाँ से मैं लोगो ले लिया, ठीक है? उसके बाद आप लोग को वो जो साइड में पट्टी होती है वो लेना रहता है, ठीक है? तो साइड वाली पट्टी मेरे पास तो है नहीं, पर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? मैं कोई एक पट्टी रख देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं एक पट्टी रख देता हूँ, ठीक है? आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद कोई फोटो ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ से लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा कट कर देंगे, ठीक है? तो चलिए देखिए कट हो गया। उसके बाद जो टाइटल होता है वो लोग आप नीचे लिखे लेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा टाइटल, ठीक है?
और यहाँ से मैं ले लेता हूँ कोई 3D, ठीक है, यहाँ से ले लिया ये 3D और इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक तो देख सकते हैं आप लोग, ये हो चुका है। ठीक है, आप लोग बता दिया कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जो मैटर होगा लिख लीजिएगा और यहाँ का ये जो रहता है ऑडियो वीडियो का वो लगा लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।